अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं भी जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जी आप लोगों को हम नज़र आ रहे होंगे सुबह ही सुबह बाहर। असल में हमारा गांव जो है वो कुछ काम था, हम लोग गांव गए हुए थे और वापसी के ये सीन्स हैं। वहाँ तो जो भी हुआ या जो भी सीन्स थे मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि हम किसी के घर गए हुए थे। और वापसी पर जो है वो फिर बच्चों ने ज़िद की कि हमें जो है वो झूला खाना है। तो फिर हम लोगों ने ये वसीब रेस्टोरेंट है हमारे मुल्तान के थोड़ा सा बाहर है, मुल्तान में ही है बल्कि गांव साइड पे है बाईपास से आगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग रुके थे, क्योंकि इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जो है वो बच्चों के लिए झूले भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो जैसे ही उतरे तो बच्चों ने कहा जी सबसे पहले तो जो है वो हमें टक शॉप पर ले चले, क्योंकि हमें जूसेस लेने हैं, लेज़ लेने हैं और फ्लान ढमका। बच्चों का तो आप लोगों को पता ही है कि बस ऐसी ही जो है वो चीज़ों को जो है वो लाइक करते हैं, और अच्छी चीज़ें तो इन्होंने खानी नहीं होती। तो बस फिर यहाँ पे जो है वो हम लोग बच्चों के लिए कुछ टक शॉप से सामान ले रहे थे। इसके बाद जी हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट के अंदर, और अंदर के सीन्स जो है वो आप लोग ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। पैसे लेते हैं मुफ्त? मुफ्त होता नहीं, नहीं ये टूटा हुआ झूला, इस पे नहीं बैठो, इधर आ जाओ आप। मोहम्मद ईसा आप इधर आ जाए। मोहम्मद ईसा झूला बाबा जी जी जी, मामा बाबा पिता है। तुम्हें देखो जूस ठंडे, वो ठंडे के थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, जूस निकाल दो। अच्छा जी, आप सब जो है वो दानियाल के लिए थोड़ी सी प्रे कर दें, क्योंकि दानियाल की तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2-3 दिन से उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार है, वरना आज की ट्रिप में जो है वो उसने हमारे साथ आना था, तो लेकिन वो नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार था। और वो इतना कोई ज़िद्दी है ना कि बिल्कुल भी दवाई नहीं लेता। और आज जो है वो हमने शाम को जो है वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, अभी घर जाके इंशाल्लाह उसे ले जाएंगे डॉक्टर के पास। और आई डोंट नो उसे वायरल हो चुका है या किस चीज़ का इन्फेक्शन है, लेकिन बहुत तेज़ बुखार है उसे। सो आई मिस हिम बैडली। तो आप सब हमारे जो भी यूट्यूब की फैमिली है सब जो है वो उसके लिए प्रे कर दें। और बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल मस्त माहौल में हैं। और इतना ज़्यादा दूर था ना ये हमारे घर से, और पहले भी हम काफ़ी आगे गए हुए थे तो सफ़र था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग थके हुए थे। हम तो इन्हें झूले में बिठा के जो है वो साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मियाँ बीवी तो बैठ गए थे, और ज़मन साथ था तो हमें कोई किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुई। बच्चे जो है वो सामने खेल रहे थे और हम सामने ही बैठ गए थे जी। ये कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है, खुला खुला, और बच्चे जो है वो जूस दूँ? ये ले भैया आप जूस ले लें, मेरा उसको जूस, ये नोश फरमा रहे हैं आप जूस। अब जाके मोहम्मद मूसा का जो है मूड ठीक हुआ है, वरना इसका इतना मूड खराब था, ये इतना कोई रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि हम रुक के ना इसको पहले थोड़ा सा घुमा लेते हैं। यहाँ पे इन होटल्स में ना अक्सर जो इस तरह के होते हैं ना रोड साइड होटल्स, ये मतलब सिटी से थोड़ा सा दूर होते हैं, तो ये होटल बहुत अच्छे होते हैं। एक तो इनका खाना जो है वो थोड़ा सा अच्छे टेस्ट में होता है शहर की निस्बत, और बाकी जो है वो सिस्टम इनका बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। इसको भी ना सी सॉ पे बैठना, ईसा को देख लिया इसने, जूस छोड़ दिया, और ये जो है वो आप कहते हैं कि मुझे वहीं भैया के पास जाना है। चाहे आप मोहम्मद ईसा भैया के साथ बैठें, चाहे आ जाए। अच्छा वो इतना प्रेम है माशाल्लाह, उसने ले भी लिया झूला। चले आए आए, जाए जाए जाए, फिर से ऊपर चढ़े ना मम्मा, वहां से जाए, वहां से सीढ़ियों से जाए, नीचे आए आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल। कैसी मेरी फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी आप लोग मुझे बड़ी हरी भरी जगह पे देख रहे हैं होंगे, ये मैं आई हूँ जी वसेब होटल पे, हमारे मुल्तान में है। तो अभी जो है वो हम लोग बैठे हैं, बस आए हैं बच्चों को लेके। हमें आगे गाँव काम था, हम वहाँ पर गए हुए थे। वापसी पर जो है वो बच्चों ने, मोहम्मद मूसा ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। तो आज सुबह ही सुबह गाँव का प्लान बना है, कोई प्री प्लान नहीं था, अचानक से ही प्लान बना है। तो हम लोग गाँव गए हुए थे। अभी वापसी पे जो है वो बच्चों को, वैसे हमें भूख कुछ ख़ास है नहीं क्योंकि हमने खाना पेट भर के खाया। और रास्ते में ये होते हैं ना बड़े गोश्त का देगी पुलाव, और ये चीज़ हमने नाश्ते में ये सब कुछ खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमें भूख तो नहीं है इतनी, लेकिन फिर रिफ़्रेशमेंट तो बनती ही है जब बंदा आता है। तो वहाँ पे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो है वो हम लोग आए हुए हैं, बाकी सारी सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को दिखी होगी। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सारी बाहर है, दिल हमारा बाहर का था, हॉल में हम लोग नहीं बैठे क्योंकि आजकल मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। वैसे गर्मी आ चुकी है, आनी क्या है, गर्मी आ चुकी है। और हॉल में हम इसलिए नहीं बैठे कि सफोकेशन होगी, लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो बड़े अरसे बाद जो है वो इस तरह के किसी रेस्टोरेंट में आए हैं। शहर में तो फिर इस तरह का बहुत ही कम माहौल मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी हो जाता है। और मौसम भी अच्छा था तो हम लोगों ने कहा कि कुछ खा पी भी लेते हैं। बच्चे जो है वो वहाँ पे झूले ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो अपने दिन का जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर रूटीन टुडे। ये देखें जी, ये है इसका मेन्यू कार्ड। और अभी हम कुछ डिसाइड करते हैं कि इसमें से क्या खाना है, क्योंकि हमें भूख कुछ टिकाऊ किस्म वाली नहीं है, बस हल्का फुल्का ही हमने करना है कुछ ना कुछ। और देखते हैं, अभी मैं डिसाइड कर लूँ। अच्छा, स्पेशल मलाई टी देखा, अपनी काम की चीज़ पे आ गई टी पे, हालांकि ये बात का काम है। अच्छा, उस दिन ना मैंने कार्डमम टी पी थी जब आप मुझे छोड़ के गए थे ना रशीद वालों के पास, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मीठा उन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, मुझे जो है वो मीठा नहीं पसंद। अच्छा खैर, रेट भी रीज़नेबल है, कोई बात नहीं। और बाकी रह गई ये फ़िश, खाने का भी बिल्कुल मूड नहीं है, कढ़ाई भी हैवी हो जाएगी। आपका क्या इरादा, चिकन पीस? हाँ पीस सही है, हल्का फुल्का रह जाएगा, सॉसेस के साथ है ना। हाँ जी करो जी बाबा। हाँ जी, जेली जी। डाली? फिनिश हो गया। अच्छा, अभी जो है वो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है कि कुछ लाइट लाइट खाने का। लाइट लाइट खाते खाते जो है वो चिकन मखनी कढ़ाई जो है वो हमने मंगवा ली है। ये इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, इनमें कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े की होती है। तो दानियाल को जो है वो बहुत मिस कर रही हूँ, और मेरे अब्बू को भी, क्योंकि मेरे अब्बू को कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो अब्बू इस टाइम ऑफिस में होंगे, नहीं तो हम उन्हें ले आते। चलें कोई बात नहीं, स्पेशल उनको ले आएंगे, अगर हमें टेस्ट अच्छा लगा तो अब्बू को यहाँ पे लेके आएंगे और अब्बू को भी खिलाएंगे। फिर बच्चे जो है ना वो देखें, वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं अपनी मस्ती में। अच्छा, इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो उसमें बच्चे जो है वो तंग नहीं करते हैं माओं को ज़्यादा। मैं मोहम्मद मूसा, मोहम्मद ईसा, डिड यू फिनिश योर जूस? कम पानी चाहिए, पानी दे भाई इसको, पीछे हो जाए भैया। मक्खन खुशबुए तो बड़ी मजे की आ रही है। मोहम्मद ईसा, आप मामा के पास, मूसा आ जाए। ये देखिए, बीमारों के लिए भी खाने आ रही है। गार्लिक नान विद मक्खनी हांडी, मक्खनी कढ़ाई, ये साथ में ना। थैंक यू। हाँ, रोटी खाएंगे। लेवल है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आई मिस यू दानियाल, मिस यू अम्मी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत बहुत हटके टेस्ट है, शहर से ना, है ना।
ये देखें जी, अभी जो है वो तकरीबन शाम होने लगी है और ये है सीन। हमने खाना वगैरह जो है वो खा लिया, अभी हम जाएंगे घर। और पहले ये रो रहे थे, अभी जो है वो ये इनका जाने का नाम नहीं है यहाँ से। छोटा भी कहता है कि मुझे नहीं जाना और ये भी कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। हम होम चले, होम होम चले, नानी पास चले, नानी पास।